तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बेस्ट फ्यूल कैशबैक क्रेडिट कार्ड 2023 के अंदर कौन से रहने वाले हैं। अगर आप भी एक अच्छे फ्यूल कैशबैक क्रेडिट कार्ड के तलाश में हैं तो आज का इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मार्केट में चल रहे जितने भी फ्यूल से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड है सभी को हम एनालाइज करेंगे और एट द एंड देखेंगे कि सबसे ज्यादा कैशबैक किस में मिलता है और सबसे कम टर्म्स एंड कंडीशन किस में है। तो चलिए दोस्तों पॉइंट पे आते हैं। हमारे इस लिस्ट में पहला क्रेडिट कार्ड आ जाता है एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस 500 रुपए प्लस GST है, लेकिन वेलकम बेनिफिट के तौर पे आपको 500 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर दे दिया जाता है। इसी के साथ साथ पहला 250 रुपए के ट्रांजेक्शन के ऊपर फुल्ली 100% आपको कैशबैक मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये फ्यूल कैटेगरी का पहला और आखिरी क्रेडिट कार्ड है कि एज के मामले में 21 के अंदर ये क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया जाता है। बाकी आगे जितने भी क्रेडिट कार्ड है उसके लिए मिनिमम एज 21 चाहिए होता है। चलिए दोस्तों वहीं पे इस कार्ड के एनुअल चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो सेम है 500 रुपए प्लस GST। और वहीं पे इस कार्ड के हाईलाइट और कैशबैक की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस कार्ड से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे स्पेंड करते हैं यानी कि फ्यूल परचेज करते हैं तो 4% का कैशबैक मिलेगा जो कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में मिलेगा। 100 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे जिसका वैल्यू 4 रुपए के बराबर होगा। और वहीं पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ देखने को मिल जाएगा। आप साफ साफ ये समझिए कि 4% का फ्यूल के ऊपर कैशबैक और 1% का सरचार्ज वे ऑफ हो जाएंगे इस कार्ड से। लेकिन इसके कैपिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्यूल परचेज के लिए जो ट्रांजेक्शन है वो आपका मिनिमम 100 और मैक्सिमम 5000 के बीच का होना चाहिए। बाकी दोस्तों एक चीज और मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आगे जितने भी क्रेडिट कार्ड मैं आपको बताने वाला हूं उन सारे में से सबसे कम टर्म्स एंड कंडीशन इसी का है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन परचेज के ऊपर 1% का कैशबैक आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों इसी के साथ साथ एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर जितने भी नॉर्मल बेनिफिट होते हैं जैसे कि EMI में कन्वर्ट करना हो गया, स्विगी जोमेटो पे डिस्काउंट हो गया या अदर वेबसाइट पे डिस्काउंट हो गया, सारे चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों ये थे हमारे लिस्ट के पहले क्रेडिट कार्ड। जितने भी क्रेडिट कार्ड बताऊंगा सभी का अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे लिस्ट में अगला क्रेडिट कार्ड आ जाता है BOB एनर्जी क्रेडिट कार्ड। तो इस कार्ड को लेने के लिए आपका मिनिमम एज 21 साल का होना चाहिए और इसी के साथ साथ अगर आपके पास BOB का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे इजी क्रेडिट कार्ड हो चाहे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड हो, तो आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग में आपको ऑफर शो हो जाएंगे, कंटिन्यू करके इस कार्ड को आप ले सकते हैं जैसे मुझे मिला है। इसी के साथ साथ इस कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो 500 रुपए प्लस GST है, एनुअल चार्जेस भी सेम है, लेकिन वेलकम बेनिफिट के तौर पे 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट दे दिए जाते हैं जिसका वैल्यू 500 रुपए के बराबर का होता है। अगर आप इस कार्ड से 2 महीने के अंदर 5,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तब आपको ये वेलकम बेनिफिट मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ 1 साल के अंदर 50,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो एनुअल चार्जेस भी वेव ऑफ हो जाते हैं। तो चलिए आप इस कार्ड के हाईलाइट और कैशबैक के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इस कार्ड से फ्यूल परचेज करते हैं डायरेक्टली नहीं HP पे वॉलेट से QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करके तब आप पेमेंट करते हैं तब 150 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 24 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आप सीधा सीधी ये समझ लीजिए कि 100 रुपए के फ्यूल परचेज के ऊपर 4% का रिवॉर्ड रेट आपको मिलेंगे फाइनल वैल्यू। चाहे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि 150 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 24 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे जिसको आप रिडीम करेंगे तो 6 रुपए आपको मिलेंगे। यानी कि 150 रुपए के ऊपर 6 रुपए मिले हैं तो 100 रुपए के ऊपर 4 रुपए आपको मिलेंगे। ये 4% कैशबैक के साथ 1% का फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ भी देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कैपिंग की अगर मैं बात करूं तो 400 रुपए से लेकर के 5,000 तक का अगर आपका ट्रांजेक्शन होगा तभी आपको ये रिवॉर्ड मिलेंगे, 400 से कम के ऊपर नहीं मिलेंगे, 5,000 से ज्यादा के ऊपर नहीं मिलेंगे। वहीं पे फ्यूल के अलावा इस कार्ड को अगर आप ग्रोसरी यूटिलिटी और डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर स्पेंड करते हैं तो हर एक 150 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 10 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पे बाकी बच्चे अदर कैटेगरी के ऊपर 150 रुपए स्पेंड करेंगे तो 2 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे और 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे 25 पैसे रखा गया है। इसी के साथ साथ इस कार्ड के ऊपर 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी फ्री देखने को मिल जाते हैं और बाकी हर वो बेसिक फैसिलिटीज मिल जाते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कोई भी क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं, जैसे कि मूवी टिकट के ऊपर डिस्काउंट हो गया, कैशबैक हो गया, EMI में कन्वर्ट करना हो गया, ETC। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के दूसरे क्रेडिट कार्ड का बात यहीं पे खत्म होता है। अब हमारे लिस्ट में तीसरा क्रेडिट कार्ड आ जाता है सिटी बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। तो इस कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो 1,000 रुपए प्लस GST है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको ये लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पे इस कार्ड का हाईलाइट है कि 68 लीटर
पेट्रोल आप एक साल के अंदर बचत कर सकते हैं या आप फ्री में पा सकते हैं। बाकी ये कैलकुलेशन कैसे रहने वाला है इसको हम समझ रहे हैं आगे चल के। तो दोस्तों इस कार्ड का एनुअल चार्जेस वेव ऑफ कराने के लिए एक साल के अंदर अगर आप 30,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो एनुअल चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं। लेकिन सिटी बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको हर एक पिन कोड के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। खैर चलिए इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो कार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर अगर आप पहला ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो 250 टर्बो पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चल के हम बात करेंगे कि ये टर्बो पॉइंट होता क्या है, इसे रिडीम कैसे करना है और इसका वैल्यू कितने के बराबर का मिलेगा। खैर वहीं पे इस कार्ड के कैशबैक की अगर मैं बात करूं तो 4 टर्बो पॉइंट मिलेंगे हर 150 रुपए स्पेंड करने के ऊपर, फ्यूल स्पेंड के ऊपर। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ एप्लीकेबल है इंडियन ऑयल के ऑथराइज आउटलेट के ऊपर यानी कि पेट्रोल पंप के ऊपर। इसी के साथ साथ इस कार्ड के ऊपर भी 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे 1 टर्बो पॉइंट का वैल्यू 1 रुपए के बराबर का होता है और इसको रिडीम करने के लिए आपको इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे ही रिडीम कर सकते हैं। या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो भी आपको टर्बो पॉइंट आप अर्न करेंगे उसको आप SMS के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू रिडीम कर लेंगे और वो जो वाउचर कोड मिलेगा उस वाउचर कोड से इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाकर के कोई भी 1 रुपए के बराबर वैल्यू मिलेगा, यानी कि जितने टर्बो पॉइंट रहेंगे उतने रुपए का आप फ्यूल परचेज कर पाएंगे। इसी के साथ साथ फ्यूल स्पेंड के अलावा डेली लाइफ में अगर आप स्पेंड करते हैं मान के चलिए ग्रोसरी या सुपरमार्केट में तो प्रत्येक 150 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 2 टर्बो पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे ऑल अदर स्पेंड के ऊपर 150 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 1 टर्बो पॉइंट आपको मिलेंगे। तो बाकी दोस्तों इसी के साथ साथ सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड के हर एक वो बेसिक फीचर्स आप ले सकते हैं जो कि नॉर्मली सभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिलते हैं, जैसे कि EMI में कन्वर्ट करना हो गया और वेबसाइट डिस्काउंट या एप्लीकेशन डिस्काउंट हो गया, सारे आपको इस कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब अपने लिस्ट के अगले क्रेडिट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है SBI BPCL क्रेडिट कार्ड जो कि भारत पेट्रोलियम द्वारा टाइप किया गया है। चलिए इस कार्ड के एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज 21 साल चाहिए, ज्वाइनिंग और एनुअल चार्जेस 500 रुपए प्लस GST है। वेलकम बेनिफिट के तौर पे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे जिसका वैल्यू 500 रुपए के बराबर का होता है और वहीं पे एनुअल चार्जेस भी सेम है 500 रुपए प्लस GST, लेकिन एक साल के अंदर 50,000 स्पेंड कर लेते हैं तो एनुअल चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं। वहीं पे इस कार्ड को लेने की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअली भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं या फिर SBI का कोई भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड हो तो भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं। SBI में मैक्सिमम 3 क्रेडिट कार्ड एक्टिव आप रख सकते हैं, चाहे आपके पास पहले से 2 क्रेडिट कार्ड हो तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग से। और वहीं पे अगर SBI का कोई भी पहले से क्रेडिट कार्ड है तब आप दूसरा या तीसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो सिर्फ कॉल वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका कार्ड अप्रूव कर दिया जाता है और लिमिट अलग से मिलता है। तो चलिए इस कार्ड के कैशबैक और हाईलाइट के बारे में जान लेते हैं। तो इस कार्ड से अगर आप फ्यूल परचेज करते हैं तो 100 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 4.25 रुपए के बराबर का वैल्यू बैक आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे फ्यूल ट्रांजेक्शन की कैपिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो मैक्सिमम 4,000 रुपए तक का ही होना चाहिए और ये कैशबैक सिर्फ एप्लीकेबल है भारत पेट्रोलियम के ही आउटलेट के ऊपर यानी कि पेट्रोल पंप के ऊपर। और ये फ्यूल सरचार्ज जो वेव ऑफ होंगे वो मैक्सिमम 1 बिलिंग साइकिल में 100 रुपए ही आप करा सकते हैं, यानी कि एक साल में 1200 रुपए का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों फ्यूल के अलावा इस कार्ड से अगर आप ग्रोसरी या डिपार्टमेंटल मूवी डाइनिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं तो 100 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 5 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे जो कि 5,000 रिवार्ड पॉइंट तक कैपिंग रखा गया है 1 बिलिंग साइकिल में पर मंथ के हिसाब से। और वहीं पे इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन बच गए उसके ऊपर 100 रुपए स्पेंड करेंगे तो 1 रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों इसी के साथ साथ हर एक वो SBI के बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं इस कार्ड के ऊपर, जैसे कि EMI परचेज हो गया या फिर बैलेंस ट्रांसफर हो गया या वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर डिस्काउंट या कैशबैक हो गया, सारे कुछ मिलेंगे इस कार्ड के ऊपर। चलिए अब अपने लिस्ट के लास्ट क्रेडिट कार्ड जो कि आता है HDFC का IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्रेडिट कार्ड। तो इस कार्ड को लेने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 21 साल चाहिए और HDFC का कोई भी क्रेडिट कार्ड पहले से है तो HDFC में दूसरा क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलते हैं, या तो ये पेट्रोल वाले क्रेडिट कार्ड डेडिकेटेड आपको पहली बार में ही अप्लाई करना पड़ेगा तभी मिलेगा, या अगर कोई और कार्ड है तब तो भूल ही जाओ इस कार्ड को। वहीं पे इस कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल चार्जेस की बात करूं तो 500 रुपए प्लस GST है। इसी के साथ कैशबैक की अगर मैं बात करूं तो 5%
का कैशबैक आपको एज ए फ्यूल पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैपिंग बड़ा तगड़ा रखा गया है कि एक मंथ में आप मैक्सिमम 250 पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। वहीं पे ये भी 250 पॉइंट जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने तक ही आपको मिलेंगे। पहले 6 महीने के बाद ये कैपिंग घट करके 150 पॉइंट हो जाते हैं पर मंथ। इसी के साथ साथ इस कार्ड से फ्यूल के अलावा कहीं स्पेंड करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी हो गया, बिल पेमेंट हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, तो वहां पे भी 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा, लेकिन पर मंथ वहां पे 100 रुपए का कैपिंग रखा गया है। और इसी के साथ साथ ऑल अदर कैटेगरी के ऊपर अगर आप स्पेंड करते हैं इस कार्ड से तो 1% का कैशबैक आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जितने भी आपको कैशबैक मिलेंगे वो फ्यूल पॉइंट के रूप में मिलेंगे, जो कि आपको इंडियन ऑयल के आउटलेट के ऊपर जाकर के रिडीम करना पड़ेगा, यानी कि पेट्रोल पंप के ऊपर जाके रिडीम आपको करना पड़ेगा। और वहीं पे दोस्तों इस कार्ड से अगर आप 50,000 रुपए एक साल के अंदर स्पेंड कर लेते हैं तो एनुअल चार्जेस वे ऑफ हो जाते हैं। और वहीं पे ये जो फ्यूल पॉइंट आपको मिलेंगे इसका जो वैल्यू है वो 96 पैसे के बराबर का आपको मिलेगा। तो दोस्तों यही 5 क्रेडिट कार्ड थे फ्यूल कैटेगरी के अंदर, जो कि मैंने आपको हर एक कार्ड के बारे में बताया। बाकी दोस्तों एट द एंड मैं अपना ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पे जितने भी क्रेडिट कार्ड है, खास करके एक्सिस बैंक को छोड़ करके, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन इतने ज्यादा है कि शायद वो आपको याद भी ना रहे, या अगर फ्यूल परचेज करते समय आपने टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान नहीं रखा तो आपको कैशबैक नहीं मिलेंगे। जैसे कि अमाउंट का कैपिंग रखा गया है कि मिनिमम 100 या मिनिमम 400, मैक्सिमम 5,000। यहां पे जो कार्ड्स बताए हैं इनमें से कुछ कार्ड ऐसे हैं जो उनके वॉलेट में जाकर के QR कोड से पेमेंट करेंगे तभी जाकर के ये कैशबैक आपको देखने को मिलेंगे। खैर दोस्तों यही था डिटेल एनालाइज फ्यूल कैशबैक क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।